हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, लाइक करते हैं वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी व्लॉग विद फारिया 2 के नाम से, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर मुझे फटाफट से फॉलो कर लें। तो आज है हमारा रिव्यू काइंड ऑफ व्लॉग या वीडियो कह लें, तो इसमें हमने रिव्यू करना है आज काशी का विंटेज क्वीन आईशैडो पैलेट का। मैंने काशी के काफ़ी प्रोडक्ट्स जो थे वो ऑनलाइन बाय किए थे, तो सोचा मैंने इसका रिव्यू शेयर करती चलती हूँ। और दूसरा मैंने ये भी सोचा था कि इसका जब मैं स्वैचेस शेयर करने हैं तो मैं इसका सारा रिव्यू भी दे दूँगी ताकि इसका ऑनेस्ट रिव्यू हो और यूज़ करने के बाद ही दूँ। बाकी प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए थे काशी से वो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर भी किए हैं और साथ साथ मैं अभी इन सब का जो है रिव्यू वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। अभी जो है हमारे पास विंटेज क्वीन पैलेट है जो कि हमेशा से आउट ऑफ स्टॉक रहता है, जब भी ऑनलाइन आप बाय करते हैं या देखते हैं। वेल तो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये, वो मैंने उतार दिया है और ये है जनाब हसीन तरीन पैलेट। और आप देख सकते हैं यहाँ साथ एक मिरर दिया हुआ है फैंसी किस्म का और काफ़ी अच्छा मिरर है, आप इसको देख के अपना मेकअप कर सकते हैं। बाकी जो है बहुत ही प्यारा सा इस पर आई बनी हुई है, बहुत ही हसीन है ये भी। और जनाब ये कुछ कलर्स के ऊपर शेड्स लिखे हुए हैं, शेड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, नेम नहीं लिखे हुए शेड नंबर लिखे हुए हैं। और ये है बहुत ही प्यारा सा हसीन पैलेट और इसके कलर्स जो हैं वो हैं 63 टोटल और प्राइस में मेंशन कर दूँ ये है 2500 का। बाकी हम देखते हैं अभी इसके स्वेचेस भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और ताकि आप भी देख लें इसका पिगमेंट कैसा है। बाकी मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो जनाब पैलेट बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके 2500 जो हैं वो हक हलाल पे जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि वेस्ट हो गए या हमारे पैसे जो हैं लग गए इस पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्वेचेस भी साथ साथ शेयर करती जाती हूँ, आप खुद भी देख लीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा टच किया मैंने और पिगमेंट इसका आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त किस्म का है। इससे मैंने कुछ फंक्शन थे तो मैंने इसी पैलेट से जो है अपना मेकअप किया था और आई जो शेड्स थे मैंने यही लगाए थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो थे ना आई शेड इसके पिक हुए थे। और ब्रशेस के साथ लगाएं चाहे फिंगर के साथ लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो आपको मिल जाता है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि फिंगर से हम अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा पिगमेंट आता है जबकि ब्रश से जो अप्लाई करने से पिगमेंट जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस आई शेडो पैलेट के साथ। और दूसरा मैं कहूँगी जो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है कि इसके आई शेडो जो होते हैं वो जड़ते बिल्कुल भी नहीं है, मतलब फॉल ऑफ बिल्कुल नहीं है उनका और आपके मेकअप जो है ख़राब नहीं होता। तो मेरी तरफ से तो जनाब पैलेट बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। आपको सिर्फ ये पैलेट एक ले लेंगे तो आपको किसी मज़ीद और पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ट्रांजिशन शेड भी मिल जाते हैं और मैट शेड हैं जो कि, और इसके अलावा आपको शिमर्स भी मिल जाते हैं, मखमली शेड कह लें जिनको। तो बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है, आपका पूरा आई जो है ना आई लुक वो आप इस पैलेट से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक लाइट शेड है वाइट से कलर का, उसको आप हाईलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टियर ड्रॉप को या ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए, वो भी आप जो है ना उसको फटाफट से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ कलर्स भी दिखा रही हूँ और बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, आप यकीन करें कि मैं सिर्फ हल्का सा टच कर रही हूँ जस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा भी नया नया पैलेट है तो मैं भी ख़राब नहीं करना चाहूँगी इसको ज़्यादा लगा के, तो मैं बस हल्का सा इसको स्वैच करती हूँ और जस्ट आपको साथ कलर शो करती हूँ। मैंने लाइट पिंक कलर लगाया था जो नंबर 2 पे है और देख सकते हैं कि इसका भी कितना ज़्यादा पिगमेंट है। अभी मैं कुछ आपको शिमर शेड जो हैं वो भी इसका स्वैच दिखा देती हूँ, गोल्डन का मैंने आपको दिखा दिया है, अभी मैं आपको एक जो है कलर है ये मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था इसका स्वैच दिखा देती हूँ। और वाओ ये आप खुद देखें इसका पिगमेंट कितना हसीन है और कितना मज़े का है, लेट मी फोकस। तो बस जनाब ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैलेट है, मेरी तरफ से तो जनाब इसको कहते हैं 10/10 मार्क्स हैं, ज़रूर परचेज़ करें। हाँ ये बात है कि आपको कॉस्टली लगेगा ज़रूर कि 2500 हम आई शेडो पैलेट पर क्यों ले रहे हैं, हम मिस रोज़ का ले सकते हैं 1000 का, कुछ और ले सकते हैं या आप किसी और जो है ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन जनाब जो काशीज के पिगमेंटेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब हाई वाले होते हैं पिगमेंट्स, सो डैट आपका कलर जो है वो कहीं नहीं जाता। बाकी आपका जो ये आई शेडो पैलेट है आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इसे बहुत सी लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक दफ़ा आपने पैसे लगाने हैं अपने, उसके बाद आपने इसको सिर्फ इन्जॉय करना है, पैलेट आपका कहीं भी नहीं जाएगा। और ये देखें ऑरेंज शेड मैंने यहाँ पर स्वैच किया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से कलर सारे आ रहे हैं, मैं तो खुद देख देख के हैरान हो रही हूँ क्योंकि मैंने इसका स्वैच टेस्ट इस तरह से नहीं किया था, बस मैंने यूज़ किए थे और मैंने ट्रांजिशन शेड में लाइट ब्राउन और पिंक कलर और इसके अलावा
थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर अपनी आई का मेकअप किया था और ये मुझे कलर बहुत ही बूम लग रहा है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका स्वेच भी वल्लाह बहुत ही हसीन है यार, मतलब मेरी तरफ से तो डन डना डन है। आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। और मेरे हाल मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना स्वेचेस दिखा दिए हैं, गोल्डन शेड देखें, गोल्डन का हमें अक्सर जो है वो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और पिगमेंट लेकर उसी पर स्वेच किया है, सो डैट आपको जो कलर है वो विजिबल हो जाए आसानी से। तो बहुत ही बेस्ट पैलेट है ये सब स्वेचेस जो हैं आपके सामने हैं, और मैंने काफ़ी कलर्स जो हैं इनके स्वेचेस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी अगर आपने कुछ पूछना वगैरह हो मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव सेशन जो हम करेंगे सैटरडे 10:30 बजे रात को, उसमें भी आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड। तो जनाब आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।